नमस्कार व्यूज, मैं रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ हूं। ये वक्त है कॉफी पर कुरुक्षेत्र का, हमारी आपकी बात होती है, लेकिन आज जरा दिल्ली के अंदर एक अलग ही कुरुक्षेत्र मचा हुआ है, जिसकी वजह से हम वो प्रोग्राम नहीं, ये लाइव कवरेज आपको दिखाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हमारे साथ तीन मेहमान होते, लेकिन इस वक्त हमारे साथ तीन रिपोर्टर हैं, अतुल भाटिया, कुमार सोनू अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में वहां स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंचेगी और 13 मई को वहां जो कुछ हुआ उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा कि वहां आखिर कहां पर स्वाति मालीवाल बैठी थी, विभव कुमार कहां से आया, कितनी देर दोनों का आमना सामना हुआ, फिर वहां पर क्या हुआ। भास्कर मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखने जा रही है। और देखिए टोन कैसे बदलती है एक दिन के अंदर। आतिशी जो मंत्री हैं वो उन्होंने ट्वीट किया है घंटे पहले, विल बी डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे एट 6 PM टू ब्रिंग आउट द रियलिटी ऑफ स्वाति मालीवाल इशू। स्वाति मालीवाल के मुद्दे का सच सामने रखने के लिए मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, तो वो भी अभी थोड़ी देर में आ सकती है। अब वो क्या सच बताएंगी, अगर वो सच बताएंगी तो मतलब स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, यही मतलब समझा जाए। और अगर स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं तो फिर संजय सिंह ने क्यों माना था कि विभव कुमार ने बदसलूकी की थी, अभद्र व्यवहार किया था स्वाति मालीवाल के साथ। तो मामला बड़ा उलझा हुआ है। स्वाति मालीवाल की ने जो ऑफिशियल कंप्लेंट की है उसमें बहुत सी बातें लिखी हैं, देखते हैं उस पर क्या कैसे रिएक्ट करती है आम आदमी पार्टी। कभी भी आपको मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकती है। तो मैं पहले आपको वहीं लेकर के जा रहा हूं, अतुल भाटिया के पास। अतुल मुझे बताएगा कि पहले भी एक टीम, दो टीमें बल्कि, CFSL की टीम और पुलिस की एक टीम ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल के घर पर आ चुकी है और अब स्वाति मालीवाल को लाया जाएगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए सबसे पहले जो महिला DCP है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से है एडिशनल DCP, वो यहां पहुंचती हैं और उसके बाद फॉरेंसिक की टीम जो है वो अंदर जाती है। ये महिला अधिकारी वही है जिन्होंने स्वाति मालीवाल की स्टेटमेंट ली थी, तो उसके बाद फॉरेंसिक की टीम अंदर जाती है। इसी गेट से सीएम हाउस के अंदर जो है वो एडिशनल DCP और FSL की टीम जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो FSL की टीम है वो यहां से निकलती है, दो अधिकारी जो है FSL के वो यहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद अब हमें जानकारी ये मिली है कि स्वाति मालीवाल कभी भी सीएम हाउस में पहुंच सकती है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि पूरा सीन रिक्रिएट करना है। क्या पूरी घटना हुई 13 मई को, कैसे स्वाति मालीवाल घर के अंदर पहुंचती हैं, किस रास्ते से वो अंदर जाती है, ड्राइंग रूम में कैसे पहुंचती हैं, ड्राइंग रूम में कौन लोग थे, और वो लोग जो उसमें विटनेस थे उनके जो बयान है वो दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो दर्ज करेगी। ताकि देखिए पूरा इसमें हमें सीक्वेंस समझना होगा सौरभ, जिस तरीके से कल पहले पुलिस ने FIR दर्ज की, उसके बाद मेडिकल जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर कराया गया बकायदा स्वाति मालीवाल का, उसके बाद क्योंकि 161 के बयान पहले हुए थे जो कि IO के सामने होते हैं, जांच अधिकारी के सामने होते हैं, उसके बाद आज स्वाति मालीवाल को जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो 30 जारी कोर्ट लेके जाती है, वहां पर CRPC 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए जाते हैं ताकि जो भी पक्ष स्वाति मालीवाल रखे वो मजिस्ट्रेट के सामने हो, मजबूती से पूरा केस जो है वो दिल्ली पुलिस आगे रख सके। और उसके बाद हमें पुलिस हेडक्वार्टर से ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो FSL के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जाएगी, एक एक एविडेंस जुटाया जाएगा। जब पुलिस की टीम और FSL की टीम पहुंचती है तो उसके बाद हमें अब यह जानकारी दी गई है कि स्वाति मालीवाल यहां पर पहुंचेगी, बकायदा जो एडिशनल DCP जिन्होंने उनके बयान दर्ज किए थे वो घर के अंदर मौजूद है, कितने कैमरे हैं अंदर बाहर आप देख सकते हैं सौरभ, कम से कम 7 से 8 जो CCTV कैमरे हैं वो सीएम हाउस के घर के जो सीएम हाउस है उसके बाहर लगे हुए हैं। अंदर कितने CCTV कैमरे हैं, क्या रिकॉर्डिंग हो सकती है, जब स्वाति मालीवाल जो है वो यहां पर पहुंची थी किन किन कैमरों में उनकी रिकॉर्डिंग है, जो बदतमीजी मिसबिहेव और जिस तरीके से मारपीट की घटना जो पूरा FIR के अंदर जिसका जिक्र है उसमें क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं, किन किन CCTV कैमरों के अंदर ये पूरी फुटेज है उसको दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो पूरा सीक्वेंस है, किस तरीके से स्वाति मालीवाल घर के अंदर आती है, कैसे निकलती है, किन हालात में निकलती है, किस तरीके से उनसे बिहेव किया जाता है, किस तरीके से मारपीट की जाती है, उस एक एक कड़ी को जो है वो दिल्ली पुलिस जोड़ना चाहती है। यही कारण है कि पहले जो महिला अधिकारी है वो यहां पर पहुंची थी, अजिंत्या नाम एडिशनल DCP है, उसके बाद फॉरेंसिक की टीम, और अब स्वाति मालीवाल जब यहां पर पहुंचेगी तो पूरा जो रिंग जो दूसरे पक्ष की बात कर लूं, मतलब आम आदमी पार्टी भास्कर मिश्रा के पास चलते हैं। भास्कर, आतिशी जी कह रही हैं कि ये स्वाति मालीवाल के मुद्दे का पूरा सच मैं बताऊंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 6 बज चुके हैं, हो सकता है थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए, क्या पार्टी बताना चाहती है आखिर? देखिए आतिशी पहुंच चुकी हैं अभी पार्टी दफ्तर में, अभी से 10 से 15 सेकंड पहले वो गेट के अंदर एंटर की हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। पार्टी सीधे तौर पे ये इनकार करेगी, स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही हैं
और उसी के तहत सबूत के तौर पे एक वीडियो पहले जारी किया गया था और उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई थी कि अगर किसी के साथ इतनी ज्यादा मारपीट होगी तो वो आराम से सोफे पे बैठ के नहीं बैठी रह सकती है। जो स्वाति मालीवाल ये आरोप लगा रही हैं कि उनको संभलने में वक्त लगा, बड़ी मुश्किल से वो चल पाई, वहां से निकल पाई, वो इस तरह से ठसक के साथ सोफे पे नहीं बैठेंगी और ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर में नहीं चिल्लाएंगी, गालियां नहीं देंगी। ये सारी बातें पार्टी के द्वारा वीडियो के जरिए स्पष्ट कर दिया गया, टोन और टेनर पहले से ही सेट कर दिया गया कि इस मामले में अब क्या होगा। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों के द्वारा इसकी तस्दीक की गई, उन लोगों के द्वारा भी ट्वीट किए गए और फाइनली अब पहली बार इस मामले में आतिशी के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा और यही पक्ष रखा जाएगा। ये मान के चले कि ये मामला इसके बाद और उलझने वाला है। स्वाति मालीवाल के संज्ञान में भी है कि आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जैसे ही रिक्रिएशन खत्म होगा मान के चलिए कि वहां से भी इसका जवाब मिलेगा। अभी जो भी आतिशी बोलने वाली है उसका जवाब मिलेगा, बेशक वो ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया के जरिए वो जवाब मिले, लेकिन हर दिन नया आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी को अब लग रहा है कि जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है, अगर चुप रहते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए अब एग्रेसिव होकर अपना स्टैंड क्लियर करना है और वही कोशिश आतिशी के द्वारा की जाएगी। आतिशी को इसलिए बुलाया गया है कि एक महिला मंत्री है दिल्ली सरकार की, बहुत मुखर आवाज है दिल्ली सरकार की, और उनके द्वारा रखा जाएगा, ये बताया जाएगा कि कैसे स्वाति मालीवाल फोर्सफुली सीएम के घर में एंटर कर रही थी। इसका हो सकता है सबूत दिखाया जाए, ये बताया जाएगा कि कैसे स्वाति मालीवाल के पास मिलने का कोई समय नहीं था। सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, कोई भी कभी भी किसी भी वक्त जाके अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं मिल सकता। ये तमाम बातें आतिशी के द्वारा रखी जा सकती है। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि इसी लाइन पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी चलिए वो तो देखते हैं, अब 6:06 हो चुके हैं। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी दिल्ली सरकार की महिला मंत्री। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मैं सच बताऊंगी इस पूरे मामले का क्या है। कुमार सोनू भी जुड़े हुए हमारे साथ। कुमार बताइए, इस पुलिस की क्या तैयारी है आगे की? सोनू देखिए, स्वाति मालीवाल को जैसे ही दिल्ली पुलिस लेकर यहां पहुंचती है तो सबसे पहले स्वाति मालीवाल से पूरा सीन को जो है दिल्ली पुलिस समझेगी कि वो किस गेट से एंट्री की, उन्हें गेट में एंट्री करने के बाद सबसे पहला शख्स कौन मिला, उन्होंने उनसे क्या बात की, उसके बाद आगे क्या हुआ, एक एक शख्स की डिटेल और साथ ही साथ उसकी लोकेशन, वो कहां मिला, ड्रॉइंग रूम में मिला, रिसेप्शन पे मिला, फ्रंट गेट पे मिला, मेन गेट पर मिला, या फिर जहां स्वाति गाड़ी से उतरी वहां पे मिला, एक एक चीज जो है वो पूरा सीन पहले दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जांच टीम वो समझेगी, उसके बाद उसको रिक्रिएट किया जाएगा। स्वाति मालीवाल को हर उस घर के उस हिस्से में लेके जाया जाएगा जहां पर ये पूरा उस वक्त 13 तारीख को जब स्वाति मालीवाल यहां आई थी तो गई थी, तो पूरा समझा जाएगा कि स्वाति मालीवाल उस दौरान, उनसे पुलिस भी जानने की कोशिश करेगी कि उस वक्त कितने पुलिस अधिकारी वहां पे मौजूद थे जो सुरक्षा में तैनात हैं। इसके साथ साथ जो विभव कुमार की बात है, विभव कुमार कब आए, उनसे क्या बात हुई, वो जब बात कर रहे थे तो आपसे वो कहां पर थे, ऐसा क्या हुआ कि विभव कुमार एग्रेसिव हो गए जिसके बाद उन्होंने बदसलूकी शुरू कर दी। ये तमाम चीजें हैं जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिन्हें दिल्ली पुलिस नोट करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को अब ये केस मजबूत वैसे ही हो गया क्योंकि 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल ऑलरेडी दे चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे तक कोर्ट रूम में रही, जज के चैंबर में, जहां पर ये पूरे बयान दर्ज हुए। उसके बाद अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये दिल्ली पुलिस जानेगी और उसको पूरा एक नोट करके एक पूरा सीक्वेंस जो है पेपर पे बनाया जाएगा ताकि जब आप आतिशी पीसी कर रही है, सुनते हैं जरा। जनता पार्टी बौखलाई हुई, अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी
इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है, और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी FIR, और उस FIR में शामिल फैक्टशीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था, वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं, वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिन्होंने उन्हें जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है, सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई है पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की, और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। सिक्योरिटी उन्होंने फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीएम आवास में नहीं जा सकती हैं, और वो उन्हें सीएम रेजिडेंस के वेटिंग रूम में, जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है, वहां पर लेके गए, वहां पर बैठाया, उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं है। वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद वो जोर जबरदस्ती कर
सीएम रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग में जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, मुझे अभी मिलना है। अब आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद है, क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कई शेड्यूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपलब्ध हो? तो फिर क्या कारण था जो वो सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और सीएम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी? तब सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से ऊंची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिए। स्वाति जी ने उनको धक्का देने की कोशिश की, परंतु विभव जी फिर भी वहां पे खड़े रहे। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाति मालीवाल जी को बाहर एस्कॉर्ट करें। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया, मुख्यमंत्री जी को फंसाने का इरादा था, तभी सुबह सुबह जोर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री आवास में घुस के मुख्यमंत्री जी से मिलने की जबरदस्ती की जा रही थी। ये इस बात से भी साबित हो रहा है कि स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री आवास से पुलिस थाने गई, पुलिस ने उन्हें एमएलसी कराने को कहा लेकिन उन्होंने एमएलसी कराने से मना कर दिया। फिर 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नए झूठ के साथ स्वाति मालीवाल जी को सामने लेकर आई। लेकिन यह पूरा प्रकरण आज जो वीडियो सामने आया है, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी पुलिस वालों को धमका रही हैं, विभव कुमार जी को धमका रही हैं, जिस प्रकार से सोफे पर बैठी हुई हैं, जिस प्रकार से ये स्पष्ट है कि वो उनके साथ, वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि वो आराम से बैठी हुई हैं, ना दर्द में करा रही हैं, ना उनके कपड़े फटे हुए हैं, ना उनके सर पर चोट लगी हुई है, तो ये पूरा वीडियो स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने लेकर आता है और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को साफ कर देता है। आतिशी जी, आप कह रहे हैं कि ये पूरा षड्यंत्र है और बीजेपी का षड्यंत्र है, तो भी हाल में जब ये पूरा मामला सामने आया था तो संजय सिंह जी ने ये क्यों कहा था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेगी? देखिए, जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था, लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सामने आया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि जो सारी बातें इस शिकायत पत्र में कही गई, इस एफआईआर में कही गई, वो बिल्कुल झूठ है, वो ये वीडियो दिखा रहा है। सॉरी, देखिए, इस पूरे जो आपका ये सवाल है कि क्या संजय सिंह जी ने क्या कहा, क्या एक्शन लिया, इस पूरे मुद्दे पर संजय सिंह जी को एक ही पक्ष उपलब्ध था,
अब दोनों पक्ष हमारे सामने उपलब्ध हैं। ये वीडियो ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि पूरे देश के सामने है। ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था, और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। आतिशी जी को आपने सुना, जब रिपोर्टर्स ने सवाल पूछने शुरू किए तो एक आध सवाल का जवाब लेकर के वो चली गई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये था जो पूछा भी गया कि संजय सिंह ने क्यों कहा था कि विभव कुमार ने अभद्रता की, बदतमीजी की स्वाति मालीवाल के साथ और संज्ञान में ले लिया, मुख्यमंत्री ने वो एक्शन लेंगे। इसका जवाब वो ये दे रही है कि तब तक संजय सिंह के पास केवल स्वाति मालीवाल का पक्ष उपलब्ध था। आप सोच सकते हैं, एक राज्यसभा का सांसद, आम आदमी पार्टी का इतना सीनियर लीडर, इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद वो ये कह रही है कि संजय सिंह को पूरी बात मालूम ही नहीं थी, संजय सिंह केवल स्वाति मालीवाल का पक्ष जान करके आ गए मीडिया के सामने और उन्होंने बता दिया कि हाँ विभव कुमार ने बदसलूकी की, जानते हुए कि विभव कुमार आम अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनके इतने नजदीकी हैं, और वो उनका पक्ष जाने बगैर आकर कह देंगे मीडिया में कि हाँ स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई तो हुई, और हम इसमें हम बिल्कुल बचाव नहीं करते विभव कुमार का। ये कैसा तर्क देने की कोशिश की अभी आतिशी जी ने, और जब ये सवाल एक दो बार और पूछा गया तो वो उठकर चली गई। जाहिर है इसका ये कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, जो हुआ था उसके बाद जितना भी हुआ उसके बाद सोचा समझा पार्टी का ये स्टैंड था कि मीडिया में जाके ये बोलना है कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदतमीजी की, लेकिन अब जब सारा मामला, जब शिकायत हो गई है मीडिया पुलिस के सामने, अब पुलिस चक्कर लगा रही है सीएम दफ्तर के, तब वो ये कहानी लेकर के आई है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जो है लगातार जुड़े हुए हैं, पहले भास्कर के पास ही जाते हैं। भास्कर, ये वो ये कह रही है ये वीडियो सब कुछ है, जिस वीडियो में जो सीएम स्टाफ है वो स्वाति मालीवाल को बाहर जाने के लिए कहता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें वो कह रही है कि स्वाति मालीवाल तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है, सर पे चोट नहीं है, कपड़े बिल्कुल ठीक है उनके, वो कह रही थी मेरे कपड़े फट गए, मेरे सर पे चोट लग गई, ऐसा तो कुछ इसमें दिखाई दे नहीं रहा, वो तो बल्कि उलझ रही है पुलिस वालों के साथ, पुलिस वालों को गालियां दे रही है, तो इससे ही साबित होता है कि उनकी जो शिकायत है वो झूठी है। बिल्कुल, देखिए आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले हमने बात की थी और मैंने बताया था कि इसी लाइन पे ये पीसी होगी। ये वीडियो जारी करने का मकसद ये था कि ये बताया जाए कि स्वाति मालीवाल की कहानी झूठी है, और उसके सबूत के तौर पे इस वीडियो को जारी किया गया था। इसमें एक चीज है, ये सबूत पहले से ही आम आदमी पार्टी के पास में था। आपने देखा होगा ये मोबाइल वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है। सीसीटीवी फुटेज अगर होता तो ये कहा जा सकता था कि उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, समय लगा उसको लेने में, लेकिन ये मोबाइल वीडियो है तो वो देन एंड देयर पार्टी के पास में मौजूद था। सच्चाई ये है कि पार्टी के द्वारा एक कोशिश हुई कि इस मामले को शांत कर लिया जाए, आपसी सुलह हो जाए, बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा लिया जाए। स्वाति मालीवाल बिल्कुल तैयार नहीं थी। स्वाति मालीवाल के द्वारा ये शर्त रखी गई थी कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, विभव के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये जनता के सामने करना पड़ेगा आपको। संजय सिंह ने यही किया, सामने आए, सारी बात बताई, कहा कि विभव कुमार ने बदसलूकी की है, बदतमीजी की है और सीएम ने संज्ञान ले लिया है, इसमें कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बाद ये मामला सुलझा नहीं। जैसे ही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सीएम गए, वहां उनके साथ में विभव कुमार भी मौजूद थे, ये सब देख के वहां जो मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे थे विभव कुमार से, कोशिश कर रहे थे सवाल पूछने की, वो सब देख के स्वाति मालीवाल आग बबूला हो गई, और उसके बाद जो कुछ भी बातचीत हुई थी वो वही खत्म हो गया। उसके बाद ही स्वाति मालीवाल ने ये तय किया कि इस मामले में अब शिकायत करेंगे। ये जानकारी है मेरे पास में दोनों एंड से, लेकिन पार्टी के पास में बचाव के लिए ये सबूत पहले से था। इंतजार किया जा रहा था कि अगर ये मामला आगे बढ़ जाता है तब इन सबूतों का इस्तेमाल किया जाएगा, और वही हो रहा है। देखिए, अब तो उन्होंने इसको पूरा पॉलिटिकल ट्विस्ट दे दिया ना, वो कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी का चेहरा मोहरा है, साजिश का हिस्सा है, और उन्होंने कहा ये तो आरोप लगाने के लिए गई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर, वो तो लकीली वो अवेलेबल नहीं थे इसलिए वो बच गए, ये उनके शब्द हैं। क्या आरोप लगाने के लिए गई थी वो, मतलब ये आतिशी जी ने नहीं बताया कि मंशा क्या थी आखिर स्वाति मालीवाल की। वो अच्छा मान लीजिए कि वो जबरदस्ती घुस गई, पहले तो घुस कैसे गई, सीएम सिक्योरिटी ने कैसे जाने दिया, फिर वो कह रही है कि वो तो इल्जाम लगाने ही गई थी। क्या इल्जाम लगाने गई थी वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा दूर का सोच के ये किया गया है।
स्वाति मालीवाल का जो स्टैंड है पिछले 3-4 घंटों में जो सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट आए हैं उसके बाद शायद ये सोचा गया होगा कि ये मामला और आगे बढ़ेगा और इसकी बानगी पहले ही हम कर दें जिससे आगे उस पर स्पष्टीकरण देने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वाति मालीवाल ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो इस मामले की सच्चाई बाहर करेंगी और मैं ये आपको बता रहा हूं कि कुछ ही देर में स्वाति मालीवाल के तरफ से भी इस पे जानकारी आएगी, सोशल मीडिया पे कोई न कोई पोस्ट आएगा जिसमें वो और इस पे हमला करेंगी। तो ये मामला बढ़ता जाएगा, ये सिर्फ ये सोच के किया गया है कि चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना चाहती है इस बात का तो वो भी अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो भी अब इसको शांत करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसको सीधा सीधा अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर में हमला मान रही है बीजेपी तो वो बीजेपी के द्वारा किया गया एक साजिश के तौर पे दिखाया जाएगा कि ये भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर में एक साजिश थी और मुझे लगता है कि इसी दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है और अब इस मामले में किसी भी तरह के कोई मान मनोवल, कोई समझौता, कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो अब ये रास्ता अख्तियार किया गया और ये अब दोनों तरफ से होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल तो देखिए खबर ये भी है कि स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंचने वाली है। अतुल भाटिया वहां मौजूद है, बताइए अतुल वहां क्या हाल चल है। देखिए सौरभ, यहां पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है सीएम हाउस के बाहर और यहां पर आप दिल्ली पुलिस देख सकते हैं और बाकायदा सीएम हाउस का अगर आप गेट देखेंगे तो यहां पर जो स्टाफ है सीएम हाउस का वो भी यहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि कभी भी जो स्वाति मालीवाल है वो यहां पर पहुंच सकती है। जो सिविल लाइंस के एसएचओ हैं जहां पे पूरी एफआईआर दर्ज हुई थी वो अभी सीएम हाउस के अंदर है, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जो है वो अंदर है और अभी क्योंकि हो सकता है कि स्वाति मालीवाल भी आतिशी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही हो तो किसी भी समय जो है वो यहां पर पहुंच सकती है। रस्सी बकायदा यहां पर खींची गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है और जब स्वाति मालीवाल यहां पर पहुंचेगी क्योंकि फोरेंसिक की एक टीम अभी भी सीएम हाउस के अंदर मौजूद है तो पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल 13 मई की सुबह यहां पर पहुंचती हैं, किस तरीके से वो अंदर जाती है, मेटल डिटेक्टर यहां पर लगा हुआ है, इसी गेट से वो अंदर गई थी और अंदर जाने के बाद किस तरीके से ये पूरी घटना होती है। तो अभी यहां पर देखिए एक तरीके से फिर यहां पर अलर्ट कर दिया गया और देखिए यहां पर स्वाति मालीवाल पहुंचने वाली है, ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी आई है, पीछे एक प्राइवेट गाड़ी है सौरभ और माना जा रहा है कि इसी में स्वाति मालीवाल जो है वो हो सकती है। और अभी क्योंकि जब स्वाति मालीवाल अंदर जाएंगी तो पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा, किस तरीके से स्वाति मालीवाल 13 मई की सुबह यहां पर पहुंची थी, घटना किस तरीके से हुई, किससे वो सबसे पहले मिलती है और देखिए गाड़ी का गेट खुला है और स्वाति मालीवाल ही हमें लग रहा है इस गाड़ी के अंदर जो है वो यहां पर, देखिए स्वाति मालीवाल हम आपको यहां पर आप देखेंगे, स्वाति मालीवाल जो है वो अब सीएम हाउस पहुंच चुकी है। आप विजुअल में देखिए सौरभ, स्वाति मालीवाल जो है वो गाड़ी से उतरी है और पैदल थोड़ा उनके आप देख सकते हैं चलने में उनको दिक्कत आ रही है और वो अब सीएम हाउस के लिए अंदर जा रही है, पीछे उनके साथी भी हैं, सांसद है, आम आदमी पार्टी की लीडर हैं, वो जो हैं पहुंच चुकी हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि वो लंगड़ा कर चल रही हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस उन्हें यहाँ रिक्रिएशन के लिए लेके आई है, जो सिविल लाइन थाने के एसएचओ हैं वो अपने साथ उन्हें लेकर पहुंचे हैं सीएम हाउस। आप देखें इस वक्त स्वाति मालीवाल जो है सीएम हाउस के अंदर जा रही है, उनके पैर में जो है चोट लगी हुई है, फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है रिक्रिएशन करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ऑलरेडी अंदर मौजूद है तकरीबन 2 घंटे से और 2 घंटे के बाद जो है स्वाति मालीवाल को बुलाया गया। दरअसल स्वाति मालीवाल से सीक्वेंस ऑफ इवेंट जानेगी दिल्ली पुलिस, एक एक सीक्वेंस के बारे में कि कब वो यहाँ आई, किस किस से मिली, किस किस ने उन्हें क्या कहा, किस तरह से बदसलूकी हुई, मामला कहाँ से कूल पकड़ा, एक एक जो सीक्वेंस है वो दिल्ली पुलिस समझेगी, इसीलिए जो है स्वाति मालीवाल को यहाँ पर बुलाया गया है। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीएम हाउस की तस्वीरें हैं जहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को भी बुलाया गया है ताकि पूरा सीन 13 तारीख का रिक्रिएट किया जा सके। कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने देखा ये लाइव तस्वीरें, स्वाति मालीवाल पहुंच गई अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली पुलिस के साथ। अब पुलिस उनसे बकायदा अंदर जाकर के समझेगी कि कहां कहां किस किस जगह पर क्या हुआ था। अतुल देखा हमने तस्वीरों में, ऐसा लग रहा था बड़ी तकलीफ है उनको, चोट लगी हुई है, चल नहीं पा रही थी ठीक से। आतिशी ने कह रही थी कि हमने जो वीडियो जारी किया है उसमें कहां दिखता है कि स्वाति मालीवाल को चोट लगी है। अब चोट लगी है नहीं लगी है, उनका तो मेडिकल हो चुका है, मेडिकल में साफ हो जाएगा। बिकॉज सौरभ देखिए अभी जो आम आदमी पार्टी ने जो वीडियो भी रिलीज किया आप देखेंगे वो कुछ सेकंड्स का वीडियो है, वो पूरा वीडियो नहीं है, उसको कट करके जो है वो सर्कुलेट किया गया है, फ्लॉट किया गया है।
पुलिस के जो दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज है उनका यह कहना है कि पूरा वीडियो जो है वो सामने आए तो इससे कुछ क्लैरिटी हो सकती है। यही कारण है कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो इस समय सीएम हाउस के अंदर मौजूद है। बकायदा स्वाति मालीवाल को बुलाया गया, एफएसएल की टीम अंदर है। किस तरीके से जो स्वाति मालीवाल है वो 13 मई की सुबह यहां पर पहुंचती है, सबसे पहले किनसे मुलाकात होती है, जो सीएम है उनसे अपॉइंटमेंट को लेकर किनसे बात होती है, विभव कब आते हैं, कैसे वो ड्रॉइंग रूम तक पहुंचती है और किस तरीके से विभव कुमार जब आते हैं। एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आप इस वक्त सामने ही खड़े हैं बिल्कुल सीएम हाउस के गेट के, ये आतिशी जी ने बताया कि कोई उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी और वो जबरदस्ती अंदर चली गई। सीएम हाउस के अंदर कोई जबरदस्ती ऐसे ही चला जाता है? फिर उन्होंने कहा कि उनको वेटिंग एरिया में रखा गया, लेकिन वो वेटिंग एरिया में से भी जबरदस्ती करके फिर ड्राइंग रूम में चली गई और फिर वो ड्राइंग रूम पार करके जो जो प्राइवेट रेजिडेंस है उसके अंदर जाना चाह रही थी। मतलब स्वाति मालीवाल जो है इतनी बलशाली हो गई कि वो हर जगह जबरदस्ती से घुसती चली जा रही थी। बस देखिए सौरभ, पहली बात तो जब 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल सीएम हाउस पहुंचती है तो वो टैक्सी से आती है, उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी। जब वो टैक्सी से आती है तो बकायदा यहां पर वो उतरती है टैक्सी से, और टैक्सी से उतरने के बाद ये जो आप मेटल डिटेक्टर देख रहे हैं यहां से वो अंदर जाती है। यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो पर्सनल स्टाफ है सीएम अरविंद केजरीवाल का वो यहां पर होता है। अभी भी जो सीएम हाउस है उसके घर के बाहर जो है वो यहां पर मौजूद है। उसके बाद क्योंकि स्वाति मालीवाल को सब जानते हैं, उनसे पूछा गया क्या अपॉइंटमेंट है, उन्होंने बोला कि नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री जी से मिलना है, और पहले उन्होंने बोला कि हाँ अपॉइंटमेंट है। लेकिन जब मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिलते, यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है सौरभ, कि जो स्वाति मालीवाल ने अपनी स्टेटमेंट दी है जिसको एफआईआर में भी हुबहू उतारा गया है, उसके अंदर स्वाति मालीवाल ने यह लिखा है कि बकायदे एक स्टाफ सीएम का उनके पास आता है ड्राइंग रूम में और उनको यह बताया जाता है कि सीएम उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान विभव कुमार वहां पर पहुंचते हैं और वो स्वाति मालीवाल से मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं और भद्दी भद्दी गालियां जो है वो जो विभव कुमार है उनकी तरफ से दी जाती है। तो यही पूरी, क्योंकि एफआईआर 164 सीआरपीसी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं, उसके बाद पूरा सीन रिक्रिएट होना है, जिसके लिए स्वाति मालीवाल को यहां सीएम हाउस में बुलाया गया है। और यहां पर जो पूरा सीन रिक्रिएट होगा, कैसे स्वाति मालीवाल घर के अंदर घुसती है, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात होती है, जो सीएम हाउस के अंदर जो स्टाफ था वो उस समय कौन कौन लोग थे, और जब स्वाति मालीवाल को मारा पीटा जा रहा था तो उस समय मुख्यमंत्री घर के अंदर मौजूद थे लेकिन कोई भी घर के अंदर से जो उनकी स्वाति मालीवाल की मदद के लिए नहीं आया। तो यही पूरी इन्वेस्टिगेशन है जो दिल्ली पुलिस ने करनी है। यही कारण है कि बकायदा एफएसएल की टीम को लेकर अंदर जाया गया है। और फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, और देखिए सबके बीच अरविंद केजरीवाल जी मुंबई में हैं, शरद पवार जी के साथ अभी आप उनको देख रहे थे, वो एक रैली कर रहे हैं वहां पर इंडिया गठबंधन के अपने साथियों के साथ, तो वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में फिलहाल लिप्त हैं। और इस वक्त उनके घर में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है तफ्तीश करने के लिए। आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री मुंबई में, उनके घर में पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस। एक बार फिर मैं भास्कर के पास जाना चाहता हूं। भास्कर, स्वाति मालीवाल को अंदर ले जाया गया है, अब अंदर क्या स्ट्रक्चर है इस घर का ये तो शायद आपको पता हो। अब वो गेट से जबरदस्ती अंदर चली गई, वो जबरदस्ती वेटिंग रूम में चली गई, वेटिंग रूम से जबरदस्ती ड्राइंग रूम में चली गई, और वहां जाकर विभव कुमार आते हैं और वो विभव कुमार के साथ बदतमीजी करती हैं, गाली गलौज करती हैं, ये आतिशी जी कह रही हैं। और देखिए यही जानकारी हमारे पास भी थी कि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं था, वो जबरदस्ती गई है, और इसका सीसीटीवी फुटेज भी है। जिस दो लोकेशन की बात हुई है कि पहले गेट से एंटर किया, फिर एक कॉमन रूम में उनको बिठाया गया, और उसके बाद फिर जबरदस्ती वो जो सीएम के प्राइवेट आवास हैं उसमें घुसने की कोशिश कर रही थी। तो इससे पहले तक, यानी यहां तक का सीसीटीवी फुटेज हो सकता है। अगर ये आतिशी ये कह रही हैं कि यहां तक जबरदस्ती की है तो उसका सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है। उसके बाद का जो ड्राइंग रूम का एरिया है वहां का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। तो इससे पहले जो कुछ भी आतिशी कह रही है उसका सबूत भी हो सकता दिया जाए। गेट के पास जो मेन एंट्रेंस है उसका सीसीटीवी फुटेज है पार्टी के पास में, ये जानकारी मेरे पास में है, और वो देर सवेर जारी भी किया जाएगा कि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं था। पुलिसकर्मी देखिए वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं या उनको बता रहे हैं कि आप नहीं जा सकते हैं या जो कुछ भी इसमें हो। तो मुझे लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ आतिशी आई है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज है कि मुझे नहीं लगता कि उनके ड्राइंग रूम में कोई जबरदस्ती घुस जाएगा। वहां पे जो सुरक्षा में रहते हैं दिल्ली पुलिस के लोग वो बिल्कुल कतई ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों या कोई भी हो। गेट के अंदर दाखिल होने के लिए हो सकता है कि ठीक है आप राज्यसभा के सांसद हैं आपको जाने दिया जाए, लेकिन जिस ड्राइंग रूम की बात हो रही है वहां तक का मुझे नहीं लग रहा कि वहां ऐसा होगा। वहां हो सकता है कि उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई हो कि ठीक है आप बैठिए, समझाने की बात हुई हो, क्या हुआ ये मुझे नहीं पता है।
वेरी फर्स्ट डे से हम ये बात कर रहे हैं कि उस ड्राइंग रूम में क्या हुआ है, यही बात नहीं, सामने लेकिन नहीं वही जो मैं आपसे आप पूछ रहा था वो अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट रेजिडेंस के ड्राइंग रूम में पहुंच गई। अब वो सांसद हो चाहे कोई हो, आप कह रहे हैं वहां तो बिना इजाजत के कोई नहीं जा सकता ना। अपने अपनी जो शिकायत है उसमें वो ये कह रही हैं कि मुझे ये मैसेज किया गया था कि सीएम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो क्या उनको वहां तक एक्सेस दी गई पहले? और देखिए इस बात पे स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है कि अगर उन्होंने मैसेज कर दिया था विभव कुमार को तो क्या उसके बाद विभव कुमार ने कोई मैसेज पास ऑन किया कि ठीक है इनको आप ड्राइंग रूम में बिठा दीजिए, मैं आ रहा हूं, उसके बाद ही मुलाकात होगी। ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आतिशी ने यह कह दिया कि वो जबरदस्ती गई हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है कि सीएम आवास में ऐसे उनके प्राइवेट आवास में कोई घुस जाए। ये वही ड्राइंग रूम है जहां पे आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आते हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने, वो वहीं पे मिलते हैं आके, तो वहां पे कोई ऐसे दाखिल हो जाए बहुत मुश्किल है। कोई भी मीडियाकर्मी चाहे वो बीट कवर कर रही हो, सीएम हाउस कवर कर रहे हो, कोई भी वहां तक नहीं गया है। मैं बता नहीं सकता हूं कि वहां की स्थिति क्या होती है। सिर्फ इतना हमें पता होता है कि सीएम की सुरक्षा में जो लोग हैं वो बिना अंदर से जो आदेश आता है उसके बिना किसी को भी दाखिल नहीं होने देते हैं। अब वो स्थिति क्या थी, क्या स्वाति मालीवाल जो कह रही अपने शिकायत में कि उन्होंने विभव कुमार को व्हाट्सएप मैसेज भी किया था, तो उसके बाद कोई ऐसा मैसेज पास ऑन किया गया कि ठीक है इनको आप ड्राइंग रूम में बिठा दीजिए, मैं आ रहा हूं, ये क्लियर नहीं हो रहा। पार्टी या आतिशी ये सीधा सीधा कह रही है कि वहां भी वो जबरदस्ती दाखिल हुई है, तो देखना होगा इसकी सच्चाई क्या है, ये पुलिस तफ्तीश में ही पता चल पाएगा सौरभ। अब ये तो इसकी तस्वीरें आए तो पता चले, ऐसे जबरदस्ती कैसे कोई महिला जो है सीएम आवास के अंदर और ड्राइंग रूम तक पहुंच जाएगी, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। वीडियो दिखा करके आतिशी जी ने या आम आदमी पार्टी ने यह साबित करने की कोशिश की कि जितनी मारपीट का दावा वो कर रही हैं स्वाति मालीवाल, वैसी तो अवस्था उनकी दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही, इसका मतलब वो झूठ बोल रही हैं। फिर दूसरी बात वो एक कह रही हैं कि निशाना तो केजरीवाल जी थे, बन गए विभव कुमार। मतलब आतिशी जी ने यह कहा कि वो तो आरोप लगाने के लिए आई थी अरविंद केजरीवाल के, लेकिन क्या आरोप लगाने के लिए? मारपीट का आरोप लगाने के लिए आई थी। जो आरोप उन्होंने विभव कुमार के ऊपर लगाया कि इन्होंने मुझे मारा पीटा और इतनी बुरी तरह मारा पीटा, इवन यौन शोषण तक बात चली गई, क्या ये आरोप वो लगाती? मैं नहीं कह रहा हूं, ये आतिशी जी के शब्द हैं कि वो तो आई थी आरोप लगाने के लिए केजरीवाल जी के ऊपर, लेकिन थैंकफुली केजरीवाल जी अवेलेबल नहीं थे। तो अभी भी अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है। और अब देखिए इसमें मैं तो फोन पर ये चेक कर रहा हूं कि कुछ नया पोस्ट जो है स्वाति मालीवाल जी का वो क्या आ रहा है, क्योंकि स्वाति मालीवाल इसके बाद चुप रहेंगी इसकी तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जैसे ये पहला वीडियो जारी किया था आम आदमी पार्टी ने, उसके तुरंत बाद उन्होंने ये ट्वीट किया था कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। किसको वो राजनीतिक हिटमैन कह रही हैं ये भी समझ सकते हैं आप। हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़े हुए हैं, अगर तो मैं उनके पास जाना चाहता हूं। कुमार सोनू, अब पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल सब लोग अंदर जा चुके हैं, पुलिस ने बड़ा ऐसा लग रहा है दिल्ली पुलिस ने बड़ी त्वरित कार्रवाई इसके अंदर की है, कल शिकायत आज घर भी पहुंच गई पुलिस। देखिए बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं कि दो टीमें जो है अभी दोबारा से, देखिए एफएसएल की एक टीम और दोबारा से बुलाई गई है, इनके हाथ में जो है फॉरेंसिक किट है। दरअसल ये फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स की पूरी एक टीम है जो कि जो साइंटिफिक जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने के लिए पहुंची है। एक टीम पहले भी आई थी लेकिन वो चली गई थी, लेकिन दोबारा से एक और टीम को बुलाया गया है। फिलहाल स्वाति मालीवाल को अंदर बुलाया गया है, एक एक सीन को जो है रिक्रिएट करेगी दिल्ली पुलिस, बारीकी से समझेगी जो जांच टीम है कि आखिर किस वक्त स्वाति मालीवाल आई, कहां पर, किस समय थी, घर के किस जगह पर जो है किस वक्त पहुंची, वो वहां पर उस दौरान पूरे एपिसोड के दौरान कौन कौन उनसे मिला, किस किस ने उनसे क्या बातचीत की, और जो हीट ऑफ द मोमेंट था वो क्या था जिस पर विभव कुमार भड़के और जिसके बाद बदसुलूकी का आरोप लगाया स्वाति मालीवाल ने विभव पर। फिलहाल इस वक्त जांच टीम को अंदर गए हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। दिल्ली पुलिस एक एक सीन को जो है क्राइम सीन को समझना चाह रही है, इसलिए कुछ पता चला क्या कुमार सोनू आपको भी इस वक्त घर के अंदर कौन है, मतलब फैमिली है केजरीवाल जी की इस वक्त अंदर? कर दी गई है सीएम हाउस के बाहर। देखिए बिल्कुल परिवार उनका इस वक्त अंदर ही मौजूद है और इस वक्त स्वाति मालीवाल भी अंदर गई है। हालांकि जब स्वाति मालीवाल जिस घर के जिस कोने में उन्हें ले जाया जाएगा, जिस जगह पर उन्हें ले जाया जाएगा, वहां पर परिवार का या फिर घर का कोई भी सदस्य नहीं मौजूद हो सकता क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ना ही कोई किसी तरह का कोई सुरक्षाकर्मी होगा उस वक्त जो कि सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात है। सिर्फ जांच टीम होगी या फिर पुलिस के वो लोग होंगे जो इस जांच से जुड़े हुए हैं और स्वाति मालीवाल, क्योंकि एक एक सीन
को समझना दिल्ली पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। 164 के बयान पहले ही हो चुके हैं सौरभ, और ऐसे में ये सीन रिक्रिएट करके दिल्ली पुलिस इस केस को बड़ी मजबूती से कोर्ट के सामने रखना चाहती है, क्योंकि अभी तक इस मामले में विभव की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विभव कहां है अभी तक पुलिस को नहीं मालूम है। फिलहाल पुलिस अपने सबूतों के लेवल पर जो है एक एक चीज को मजबूत करना चाहती है। आपसे अगला सवाल यही पूछने वाला था कि विभव कुमार है कहां, जो इस पूरे कांड के बिल्कुल केंद्र में है, वो व्यक्ति इस वक्त है कहां। कल तक तो वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिखाई दे रहे थे लखनऊ में, आज वो पता नहीं कहां चले गए अचानक। अरविंद केजरीवाल मुंबई के अंदर है, लेकिन ये बड़ी खबर है। आपने देखा स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल हुई है। इस पर हम बने हुए खबर पर, कोई भी खबर आती है आप सबसे पहले देखेंगे इंडिया टीवी पर।